हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड हम लोगों ने एक पीसी बिल्ड किया, हमने नहीं, मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए, उसको बहुत अर्जेंटली पीसी चाहिए था। एंड हम लोगों ने बिल्ड किया है इंटेल के 11400 पे, जो कि एक बजट सीपीयू है। बहुत सारे लोगों ने इस पे बजट बिल्ड किए भी होंगे। एंड हम लोगों ने ये सीपीयू चुना क्यों है, तो उसके पीछे एक स्टोरी है और उसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। तो हम लोगों ने ये सीपीयू चुना इसलिए है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बजट बहुत कम था, ठीक है। अभी के करंट जो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से उसका बजट बहुत कम था एंड उसको तो एपीयू बिल्ड करना था, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको दिखाया कि भाई एपीयू में तुझे इतने एफपीएस मिलेंगे, तो पहले तो वो खुश था, लेकिन उसके बाद होता ना बंदे के अंदर एक तलब मच जाती है, क्योंकि जब तुम एक नया पीसी बिल्ड करने वाले हो तो होते हो तो तुम यूट्यूब पर सारी वीडियो छान मारते हो कि क्या आ सकता है, कौन सा ग्राफिक कार्ड कितने एफपीएस देगा, फलाना फलाना, हर कोई रिसर्च करता है, राइट। हम तुम लोग सारे पीसी बिल्ड छानने लगते हो कि 1 लाख के अंदर कौन सा बिल्ड होगा, 1.5 लाख के अंदर कौन सा बिल्ड होगा, 80,000 के अंदर कौन सा बिल्ड होगा, सारी वीडियोज देखते हो, है ना। तो बंदे ने भी वही किया और इसकी फिर मति मारी गई या फिर दिमाग खराब हो गया इसको। अब एपीयू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसने अभी तक एपीयू खरीदा भी नहीं था, इसका बजट एपीयू का था, लेकिन इसने अब बोला कि भाई जितने एपीयू में एफपीएस मिल रहे हैं उतने से मैं खुश नहीं हूं। मैंने कहा भाई तूने तो अभी एपीयू लिया भी नहीं है, तो अब बंदे को चाहिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। और उस डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का डब्बा मेरे पास अभी है नहीं, बट मैंने तुम्हें रिसेंटली एक वीडियो दिखाई थी 6600 का, जो कि मैंने बोला था कि हम लोगों ने बाय किया है, तो वो इसी के लिए मैंने जो अपने फ्रेंड के लिए जो है वो बाय किया था RX 6600, जो कि बहुत ही ऑसम कार्ड था, जो कि यहाँ एक पीसी में लगा भी हुआ है। तो 6600 हम लोगों ने बाय कर लिया। अब तुम जानते हो कि जीपीयू मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है, और हमने 6600 बाय कर लिया और जो ओवरऑल बजट था ना उसका एक बड़ा चंक जो है वो 6600 ले गया। अब बंदे को मॉनिटर भी लेना है और पीसी भी बिल्ड करना है, हालांकि अभी तक मॉनिटर उसने लिया नहीं, अभी लेगा। तो हमारे पास काफ़ी कम ऑप्शंस बचे। 5600X एक ऑप्शन था, लेकिन 5600X जो था वो तुम जानते हो कि इसकी प्राइस और 5600X की प्राइस में एटलीस्ट 9 से 10 हज़ार का अंतर है, एंड है ना, तो क्या कर सकते हैं। तो उसको पीसी बिल्ड करना था एंड हम लोगों ने फिर ये पीसी बिल्ड किया। एंड इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पार्ट्स जो है उसके अंदर स्पॉन्सर्ड भी है, मतलब जो हम लोगों को स्पॉन्सर्ड मिले हैं फ्रॉम ब्रांड्स, एंड बाकी जो है वो बंदे ने बाय ही किया है, इवन इंक्लूडिंग जीपीयू, क्योंकि पीसी वाले का दोस्त होकर भी मैं उसको जीपीयू स्पॉन्सर नहीं करवा पाया, बिकॉज जीपीयू किसी मुझे खुद को नहीं मिल रहा जीपीयू स्पॉन्सर होकर, यार मैं उसको क्या दिलाऊंगा। तो ही इज़ माई स्कूल फ्रेंड एंड अभी तक उसको मैंने पीसी दिया नहीं है, तो अभी वो घर पे आएगा एंड पीसी लेगा। उसको एक्चुअली चंडीगढ़ जाना है, तो हम लोग जो है वो नई जो आने वाली जनरेशन है ना, 12th जनरेशन, उसका बजट सीपीयू का भी वेट नहीं कर सकते, बिकॉज उसको कुछ दिनों में चंडीगढ़ निकलना है एंड वो जो भी जॉब के लिए अपना जा रहा है, तो उसको टाइम पास के लिए वहाँ गेमिंग पीसी चाहिए था, तो उसके लिए वो ये बिल्ड कर रहा है, तो उसको ये अर्जेंटली चाहिए था और इसीलिए हम लोगों ने इसको अर्जेंट बेसिस पे उसके लिए बनाया है। तो वो आ जाएगा और शाम को ही उसको निकलना है चंडीगढ़ को, ठीक है। तो उसके लिए काइंड ऑफ ये अर्जेंट चीज़ थी, और तुम जानते हो कि जब एक नए सीपीयू लॉन्च होते हैं एंड 12600K की प्राइस के बाद तुम्हें लग गया होगा कि बाकी जो सीपीयूज होने वाले हैं वो थोड़े से तो ऊपर की रेंज में होने वाले हैं प्राइसिंग में, तो काइंड ऑफ वो एक चीज़ बन जाती है कि खाली इंतजार करा, और इंतजार करने के बाद चीज़ महंगी निकली तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो वो सब चीज़ें थी और अर्जेंट भी निकलना था एंड अभी तक वो घर पे आया नहीं है लेने, और वो जो है मैं उसका ट्राई करूंगा। देखो उसको वीडियो में बिल्कुल नहीं आना है, वो बहुत ही शाही किस्म का इंसान है। अब है मेरा दोस्त, पर लगता था शक्ल से टेररिस्ट है, बट शाही बिल्कुल भी नहीं लगता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको है अब शाइनेस, तो क्या कर सकता हूँ। पर तो मैं चुपचाप ट्राई करूंगा कि कैमरे को मैं कहीं पे साइड में लगा दूं और उसका जो रिएक्शन है उसको नोट करूं, ताकि मतलब तुम लोग को मैं दिखा सकूं कि उसका रिएक्शन क्या है पीसी को देखने का, ठीक है। वो भी फर्स्ट टाइम ही ऐसा पीसी बिल्ड कर रहा है, उसका आज से पहले कोई गेमिंग पीसी बिल्ड नहीं था, वो भी आज से पहले वो प्री बिल्ड पीसी होते ना HP डेल उस टाइप के गंदे से, और उसके बाद फिर उसने एक लैपटॉप ले लिया, तो वो भी गंदे से पीसी बिल्ड ही यूज़ करता हुआ आ रहा है आज से पहले। तो उसका जो है वो रिएक्शन मैं फ़ोन से या कैमरे से कहीं पर छुपा के एकदम मतलब नोट करने का ट्राई करूंगा, और वीडियो के एंड में तुमको वो दिखेगा भी कि अगर मैं सक्सेसफुली कर पाऊंगा, तो कर पाऊंगा तो तुम्हें एंड में कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला, अगर कर पाया होगा तो तुम्हें मिल जाएगा, क्या पता कर पालू मैं वीडियो में रिएक्शन रिकॉर्ड, लेकिन वो मना कर दे डालने से, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं होगी, राइट। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल स्पेक्स जो है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें बाय करना है उनमें से कोई चीज़ हो, तुम डिस्क्रिप्शन से बाय भी कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें इस बिल्ड के अलावा कुछ और चीज़ें बाय करनी है, तो तुम वो भी बाय कर सकते हो टू सपोर्ट द चैनल, ठीक है। नाउ एंजॉय द पीसी बिल्ड।
लगा सही नहीं लगा पक्का देख तेरा यहाँ से तो ये खुल जाएगा ठीक है और तुझे अंदर तो कुछ छेड़ने की जरूरत है नहीं ठीक है और मुझे डर नहीं वो है हार्ट से नहीं अब देख तेरे को चीज लगाता हूँ ये इसको तो ये में रख ले तेरी पावर केबल ठीक है ये लगेगी यहाँ पीछे ठीक है पीछे और इसे ऑन करके ठीक है तेरा चल जाएगा दूसरा जब तू मॉनिटर लेगा तो तेरे को एक केबल मिलेगी HDMI वाली वो यहाँ से इनको निकाल दियो तेरे को HDMI मिलेगी डिस्प्ले पोर्ट केबल वो मॉनिटर पे डिपेंड करता है और वो यहाँ लगा के अपने मॉनिटर कुछ लगा के यहाँ लगाइयो इनमें से ठीक है यहाँ मत लगाइयो इसमें हाँ और यहाँ लगा के तेरा नॉर्मल चल जाएगा और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मस्त सर आप ठीक है ठीक है और सफाई वफाई करनी है तो देखिए ऐसे निकल जाता है दूर दूर साफ कर लियो यहाँ से ठीक है क्या मत ही करो ठीक है ऐसा कुछ नहीं है तुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है फटेगा तो पूरा फटेगा जाएगा तो पूरा जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है पुराने जमाने की पीसी है।